साधु संतों की इच्छा थी कि भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो। और जब से हम लोग श्रीपंत दशनाम जूना, बाकी तो अखाड़ा परिषद में सभी कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक अखाड़ों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है नगर प्रवेश हुआ, जो नगर प्रवेश की दिव्यता भव्यता देखने को मिली, जो इतनी भीड़, जो अरेंजमेंट प्रशासन का शासन का रहा, जो हमारे मेलाधिकारी जी की व्यवस्था रही, उससे सारे हमारे अखाड़े लोग, हम लोग जूना अखाड़े के जब नगर प्रवेश हुआ तो हम लोग बहुत संतुष्ट हुए। कोई भी ऐसी आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, उन्होंने साधु संतों को रहने के लिए सारा कुछ व्यवस्था टेम्परेरी बना दी। और जब हमारा नगर प्रवेश हुआ तो सारी व्यवस्था बड़े धूमधाम के साथ हम लोग सिद्ध बाबा मौजगिरी में पहुँचे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। भूतों न भविष्य, भविष्य की बात नहीं करते, लेकिन भूतकाल में ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हुई जो आज के इस परिक्षेत्र में हो रही हैं। फिर अभी कल हमारी पिसवाई श्रीपंत दशनाम जूना खड़े की निकली, इसमें भव्यता दिव्यता देखते हुए जैसा भी प्रशासन को कहा, उसने तत्काल सारी व्यवस्थाएँ की। साधु संतों को रहने के तंबू है, तनात है, सारा कुछ है, जो भी अरेंजमेंट था सारा व्यवस्था करके उन्होंने भली बात पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई, अच्छी तरह से उन्होंने दिव्यता भव्यता को दिखाते हुए पिसवाई हमारी समारोह चला। ये अनुमान हमने किया है और उसी आधार पर हमने सारे कार्ययोजना विकसित किया है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार विकसित करेंगे। उसमें मुख्य स्नान दिनों का अलग आंकड़े हैं और बाकी दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम 20 लाख लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे पधारेंगे। इस बार जो बृहद कार्ययोजना बनी है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की जो परिकल्पना की गई है, उसके लिए ये मूल सिद्धांत हमने एक ये चल रहे हैं हम लोग कि पिलग्रिम एक्सपीरियंस को एनहांस करना है। हमको श्रद्धालु पुराने ट्रेडिशंस को और नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ब्लेंड करके एक विकसित करना है। इसके लिए जो हर एक कॉम्पोनेंट में एक योजनाएँ बनाई हैं, जैसे सैनिटेशन में हम लोग टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में और हमारे टॉयलेट टेक्नोलॉजीज में हम लोग 1,22,500 टॉयलेट्स बना रहे हैं। ये मुख्य रूप से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए है, चाहे वो खाद्यान्न वितरण का हो या टेलीकॉम से नेटवर्क हो, बैंक हर सेक्टर में हम लोगों ने दो एटीएम्स और एक ब्रांच को नेटवर्क खोला है। हर सेक्टर में हमने वेंडिंग जोन्स और हम फूड स्टॉल्स विकसित किए हैं। हर सेक्टर में हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम्स रखे हैं। इस बार 6 करनाल हर जोन में हमने प्लान किया ताकि लोगों को वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स का आनंद लेने का मौका अवसर मिले।